For those who seek answers for bigger questions in life are not going to have an ordinary life. And the life as we know here on earth, we all are in search of something. And this seeking is so deep, sometimes I experience how everything is connected. For me, randomness doesn't exist. Nothing in this world happens without a source. The purpose is what we are seeking knowingly, unknowingly, day and night, here and there. The ultimate truth of my existence. श्री गणेशाय नमः। श्री काशी विश्वनाथ की जय हो। हर हर महादेव। काशी एक बहुत प्राचीन नगरी है, इसके बारे में जानना है तो यहाँ रहना होगा, रह के टाइम व्यतीत करना होगा, टाइम को देना होगा, तभी आप काशी के बारे में अच्छी तरह से समझ सकते हो, जान सकते हो। सर्वप्रथम पुरानी नगरी मैं मानता हूँ, सर्वप्रथम इसलिए विश्व में कि इसका कोई अभी तक प्रमाणित इतिहास नहीं है। कोई प्रमाणित इतिहास न होने के कारण ये मेरे हिसाब से सर्वप्रथम विश्व की सबसे प्राचीन नगरी है, शंकर की सबसे प्राचीन नगरी है। और कैलाश को जो जान गया वो काशी को समझ गया, जो कैलाश को जान गया वो काशी को समझ गया। उत्तर वाहिनी काशी कैलाश के मध्य एकदम शिखा में है, एकदम स्टेट पे है, सामने है। कुंड है मणिकर्णिका पे, मणि कुंड, जहाँ पार्वती जी का मणि गिरा हुआ है। आप लोग मणिकर्णिका कुंड पे आए, मणिकर्णिका के बारे में जानें और उसके बारे में समझें कि ये शंकर की प्राचीन नगरी। सर्वप्रथम काशी में शंकर आए तो मधुबन यहीं था, गंगा के तट पे मणिकर्णिका घाट पे मधुबन था। पूरा जंगलों से प्रथम नाम इसका मधुबन है। नासा से अनेकों वैज्ञानिक इंडिया से, भारत से, भारत के बाहर से आए और ये कहाँ से जल आता है आज तक पता नहीं लगा पाए। कुछ दूर तक तो गए लेकिन पता नहीं लगा पाए कि ये जल कहाँ से आता है। इसका स्रोत कैलाश पर्वत से, हमारे बड़े बुजुर्ग साधु संत महात्मा विद्वान बताते हैं कि कैलाश पर्वत से इसका स्रोत है और कैलाश पर्वत से इसका जल आता है। और आप कभी भी आए काशी में देखेंगे, जब जल घटा होगा तो गंगा का पानी हरा रहेगा और मणिकर्णिका कुंड का जल नीला रहेगा। ये डिफरेंस आपको दिखेगा जल के अंदर से। काको लाकू पाए बलिहारी गुरु आपकी, जो गोविंद दियो बताए। जय गुरु। बात समझ, तो गोविंद को भी हमें बताएगा तो कौन बताएगा? गुरु बताएगा। और लोग आज की डेट में हम देखते हैं खुद के अहंकार में भी बैठे हुए हैं कि वो कहते हैं कि शिव जो है आदि गुरु है तो हम उनको गुरु मान लें। अरे ठीक है, वह तो आदि गुरु हैं, हम उन्हें मान सकते हैं, अच्छी बात है। बट एक अन्नमय कोष में एक सामने एक गुरु होना चाहिए, एक मेंटर होना चाहिए जो हर समय आपको दिशा निर्देश दे कि बेटा ये करो, ये ना करो, ये करो, ये ना करो, ये तुम गलत जा रहे हो, ये रास्ता चेंज करो। तो एक मेंटर होना आवश्यक है। जैसे हम आप लोग स्कूल में गए पढ़े तो वहाँ भी एक गुरु थे ना, अगर हम कहीं रॉन्ग जा रहे थे तो तड़ी पड़ती थी पहले,
पहले तो लकड़ी छड़ी चलती थी, लकड़ी की छट छट पड़ती थी। तो गुरु वो होता है, क्या गुरु को दर्द नहीं होता? गुरु को दर्द होता है, गुरु को दर्द होता है, लेकिन वो एक शिल्पकार है, किसी चीज का निर्माण कर रहा है। क्या किसी चीज का निर्माण कर रहा है, तो जहां भी निर्माण होगा वहां दर्द होगा। अभी हम 2-2.5 महीना गुरु जी के साथ में रहे, डेली कोई दिन ऐसा नहीं रहता है जिस दिन हमें गाली ना पड़ती हो, मार ना पड़ती हो। अच्छा, समझ रहे हैं? लेकिन वो भी, उनको भी बाद में रात में कष्ट होता था कि बेटा हम ये ऐसा कैसे, लेकिन वो फिर हमको बताते कि बेटा अगर ये ना करता तो तुम आज ये ना होते। जैसे माता पिता, माँ बहुत दुलार करती है लेकिन पिता क्यों टाइट रहता है? पिता जान रहा है कि अगर मैं भी इसको दुलार करूंगा ना, उसके भी हृदय में प्रेम है बच्चे के लिए, लेकिन अगर वो दुलार पे आ जाएगा तो फिर खेला खत्म, फिर हम लोग बहक जाएंगे। बात समझ रहे? जो भजेगा वो पाएगा। तो हम 2-2.5-3 साल शमशान में रहे, सीढ़ियों पे रहे। कितनी बार तो ऐसा था कि पैसा भी नहीं रहता था तो 5 रुपया कहीं से व्यवस्था हुआ तो एक पैकेट पार्ले जी लिए, बचपन की आदत, पानी में कुछ खिलाया, खाली हो गया। तो हमारे गुरु जी कहते थे कि जब आपके भीतर अगर पात्रता आएगी तो प्रकृति कभी आपके साथ अन्याय नहीं करेगी, वो आपको देगी जितनी पात्रता है। जैसे गुरु जी कहते हैं कि इंसान सब वही है, ठीक है, लेकिन सबका पात्रता का लेवल डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे कोई कोई बंदा है, उसने पैदल चलने की पात्रता है तो वो पैदल ही चल रहा है, किसी के पास साइकिल है, किसी के पास बाइक है, किसी के पास 4-व्हीलर है, और वही व्यक्ति प्लेन से भी चल रहा है, वही यही इंसान जो है अंतरिक्ष में भी जाके बैठा है, तो सब में क्या डिफरेंस हुआ? पात्रता।